अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी है कि हम लोगों का बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई इंजॉयमेंट भी नहीं हो रही। बाहर जाओ तो इतनी गर्मी, पसीना पसीना हो जाता है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है देखें। मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर चलते हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह करे, आप लोग भी दुआ करें कि बारिशें हों। और अभी हम लोग चलते हैं, जूम है क्योंकि बहनें भी काफ़ी टाइम से अंदर थी गर्मी की वजह से। हम लोग सिर्फ रात को ही जाते थे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं जू। यहाँ पे ना हमारे घर के बिल्कुल पास एक मिनी जू है। मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं मिनी जू में, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टर्स को भी ले जाते हैं और आप लोगों के साथ भी चलते हैं, व्लॉग भी बना लेते हैं। चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, उम्मीद है कि आज बारिश होगी। बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो मेरे आगे फ़िलहाल धूप है और इस तरफ बादल बने हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन धूप कवर्ड नहीं हुई हुई फ़िलहाल। शायद रात को हो मेरे ख्याल से, क्योंकि उस तरफ से बादल आ रहे हैं। अब उम्मीद तो यही है, आप लोग भी दुआएं करना कि हो बारिश। अभी चलते हैं ज़ू में और दुआ करें वो ओपन हो, ये ना वो क्लोज़ हो। हमें एक दफ़ा ज़रा ट्राई आउट करना होगा, क्योंकि हमें टाइम का भी बिल्कुल भी नहीं पता। वो रहा ज़ू सामने और अभी हम लोग चलते हैं वो वहाँ पे। अभी देखते हैं कि वहाँ पे ऑन है या ऑफ है। चलो लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं ज़ू और ज़ू का दरवाज़ा तो फ़िलहाल बंद है और वहाँ सामने साइकिल पड़ी हुई है। वो रहा ऑस्ट्रिच और ये रहा ज़ू। साइकिल पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से अंकल फ़िलहाल कहीं पे गए होंगे, क्योंकि ऐसा साइकिल तो नहीं वो लेके जाएंगे ना। अभी वो या तो नमाज़ पढ़ने गए होंगे, सामने मस्जिद है, या तो नमाज़ पढ़ने गए होंगे या तो फिर वो कहीं और गए होंगे, क्योंकि रैबिट्स भी है ना इधर। दिखाता हूँ, ये देखें, इनके लिए घास ना लेने गए हैं क्योंकि इनका अंदर ख़त्म भी हुआ है। हाँ, इनका ख़त्म हुआ है। जैनब आओ ना, चलते हैं या चलते हैं, मज़ा आएगा। चलो चलो चलो। अभी हम लोग जैनब को ऑस्ट्रिच के पास लेके चलते हैं। जैनब चले, वो देखो ऑस्ट्रिच, हो ही लो वो देखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं कहता। चलो 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 चलो, ये देखो भैया आ गए। भैया ये देखो खाना खा रहे हैं ऑस्ट्रिच। जैनब आ जाओ, इतना बड़ा वो है पिजन। ये पिजन ही होता है ज़ैनब, इसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। आपको पता है ज़ैनब को जो भी बर्ड नजर आया उसे पिजन पिजन या हैन, चिकन चिकन कहती है बस। तो इसकी जुबान में इसको भी चिक्की कहेंगे। जी मुझे पता है, फ्लाई हो चाहिए। जी ये फ्लाई भी होता है। और आपको पता है क्या है, इसका नेम क्या है? क्या है इसका नेम? समोसा। समोसा, इसका नाम समोसा नहीं है, इसका नेम है ऑस्ट्रिच। इसका नेम है ऑस्ट्रिच। वो देखो ऑस्ट्रिच, अब क्या करो ऑस्ट्रिच, खाना खा रहा है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच अब फ्राई करके ऊपर चले जाएगी, अपने मेरे गोदी में बैठ जाऊंगी मैं। यस, अभी हम लोग इसके एग्स भी हैं अंदर, लेकिन वो नॉन फर्टाइल है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। अभी देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फ्लेमिंगोज हैं, घुसे जाएंगे सर। तो ये गूसेस हैं, यानी डक्स हैं, और वो स्वान है। बहुत बड़ा है यार, उसका साइज भी बहुत बड़ा है और बहुत प्यारे। जैनब कैसी हैं डक्स? क्या? ओ वाओ, डक्स कैसी हैं? इसकी देखो। जैनब डक्स कैसी हैं? इसके पास है। जैनब डक्स कैसी हैं? फ्लेमिंगोस, वो देखो, लेट्स गो। वाओ ओ जी, कितने प्यारे फ्लेमिंगोज हैं। कितने प्यारे, ओ जा।
जैन भाई डक को पकड़ो, डक को, इस डक को। यार नहीं आपको कुछ कहता, आप इसको पकड़ो। मैं यार चलो आप उन्हें पकड़ जाओ। चैलेंज है, एक अंडा उठा के दिखाओ यहाँ का। हाँ एक अंडा उठा के दिखाओ। मैं पागल हूँ यार, चैलेंज है एक दिखाओ। यार चैलेंज है यार, कोई नहीं आ रही मजाक। ओ यार वेट, अच्छा चैलेंज कंप्लीट करोगे? एक अंडा। गाइस आप लोगों के लिए सच्चे दिल से जा रहा हूँ, बीबी यस हसन के हीरो के गाइस। जैनब अब हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है? इधर अंदर केज में चलते हैं। वो देखो ग्यूनी फॉल्स भी है और ये डिफरेंट इतने प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार। यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी भागती है, देखना मुझे इतनी प्यारी लगती है। जैनब प्यारी है ना? नो से पकड़ते नहीं है, देखो घर जा रही है अपनी। हाँ ये देखिए गाइस इनका घर, ये इनका घर। ये क्या चीज़ है? ये पैरट नहीं है, ये पिजन्स हैं। ये उधर भाई के छोटे, ये पिजन्स है ना? ओ जी मरा कोई, ओए ओए वो मरा नहीं है। देख इसके नीचे एग्स है ना, प्यारे लगे, शेराजी और डिफरेंट है। ओ बढ़िया कलर। यस चलो हम लोग आगे जाते हैं बजीज की तरफ। तो ज़ेनम लेट्स गो। बजीज देखो पैरट छोटे छोटे से, देखो फूल क्या है ये कुछ, ये देखो छोटे छोटे से पैरट्स। वे वो टर्की भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, देखो पैरट्स। वाओ कितने ज्यादा और कितने प्यारे हैं ना बेबी पैरट्स। यस ये बेबी पैरट्स का हाउस है। चलो अब आगे हम लोग पीकॉक्स की तरफ चलते हैं। चलो कुछ भी नहीं करो। ये देखो ज़ैनब पीकॉक। वाओ ये देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह। देखो ओ जी ये देखो वाइट पीकॉक है ये, और उसके पीछे वो है ये, और मेरे ख्याल वहाँ पे इनके एग्स भी हैं। इन्होंने एग्स दिए, वो देखो इनका एक ही एग है लगते हैं, इन्होंने आज दिए मेरे ख्याल से। चले आगे हम लोग टर्की बस की तरफ चलते हैं। जैनब देखो टर्की बस, इनकी आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पीकॉक्स हैं डिफरेंट, और ये देखे और ये देखे माशाल्लाह पीकॉक। यार कितनी प्यारी इनकी आइजेस हैं। चलो जैनब हम लोग ऑस्ट्रिच के एग्स देखते हैं, वहाँ पे इतने प्यारे मुझे लग रहे हैं माशाल्लाह से। देखो माशाल्लाह हसन आपको अच्छा लग रहा है? से पीछे की गुफाएं, और मैं बड़ी मुश्किल से जा रहा हूँ यहाँ पे। टर्की बर्ड है मुझे, यहाँ पे एक और डक भी थी, ये मैंने बड़ी प्यारी होती है मैंने सुना है, काटती भी होगी। टर्की बर्ड माशाल्लाह देखिए अंदर जा रहा है। ये दो टर्की बर्ड्स हैं, और वो भी बेबी डक है, वो यहाँ पे बैठ गई है। वो देखिए एक बेबी डक है, वो टर्की बर्ड बैठी हुई है अंडों पे, और उसके आसपास वो ये रे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। सो गाइस अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, फॉलो भी।
अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।